अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। वाशी में नागरिकता कानून के समर्थन में निकली रैली, बीजेपी आरएसएस समर्थकों के नारों से गूंजी नवी मुंबई। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर मचे बवाल के बीच नवी मुंबई में बीजेपी आरएसएस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और पीएम मोदी अमित शाह के साथ ही भारत माता और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वाशी रेलवे स्टेशन से शिवाजी चौक तक निकली इस रैली में सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा और सीएए का बैनर थामे शामिल हुए। रैली में भाजपा नेता दर्शन भारद्वाज, सतीश निकम, राजेश राय, अनिल सिंह और सुभाष विश्वकर्मा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने यहां नागरिकता कानून का विरोध करने वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह एक्ट किसी भी तरह मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, फिर भी विरोधी दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है कि इस बिल, ये जो बिल है ना, हर देश के नागरिक ने ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है, पहले बिल पढ़ो, वहाँ किधर भी मुसलमान के खिलाफ लिखा है तो मुझे बताओ, मैं विरोध करूंगा उसका। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है, ये जो अन्य देश में हमारे, ये जो हमारा मूल देश था, ये हिंदू राष्ट्र करके जाना जाता था शुरू में, बाद में मुगलों के बाद में इस देश में जैसे अन्य धर्म के लोग आए, तो 1950 यानी कि देश जो आज़ादी हुई, तो इस देश में जो रहने वाला है उस सभी लोग आके इस देश के ऊपर, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सबका ये देश है। लेकिन जो लोग हमारे देश के बाहर है, जिनको उन देश में उस कानून के तहत सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको देश का कानून सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये ही बिल उसमें पास करने का था। अभी क्या बताया जा रहा है कि ये पास हुआ तो मुसलमान को यहाँ से भगा देंगे, ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। मैं जिस गाँव में रहता हूँ ना, वहाँ कम से कम 4,000 मुसलमान रहते हैं। हमने उनकी मीटिंग ली, उनको पूछा, उनको बताया, पुलिस से हमें कोई भी शिकायत नहीं है। यहाँ किधर भी एनआरसी का बात किया ही नहीं, कोई भी बिल में लिखा नहीं है। ये तो सिर्फ यानी कि देश का जो संविधान हमारा क्या बताता है कि इस देश में नागरिक होने के लिए जो कानून चाहिए वही सिर्फ पारित किया है। जो अन्य देश में हमारे हिंदू माइनॉरिटी में है उनके लिए ये कानून लाया, तो मैं समझता हूँ कि इसका कहीं भी विरोध नहीं होना चाहिए, कहीं भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये मैं छाती ढोक के बोलूंगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें राजनीति हो रही है। वहीं भाजपा नेता सतीश निकम ने कहा कि कानून का विरोध वो नौजवान कर रहे हैं जिन्हें उसकी जानकारी नहीं है, जबकि देश के मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि पिछले 70 सालों में 9 बार ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का संशोधन हुआ है, इस साल 9वीं बार संशोधन हुआ है, जिसमें हमारे जो बाजू के देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के जो माइनॉरिटी है, जो भारत देश में निर्वासित करके पिछले कई वर्षों से जी रहे हैं, उनको नागरिकत्व देने का एक प्रपोजल दोनों सदनों में, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पारित हुआ है। हमारे गृह मंत्री इन्होंने इन दोनों सदनों में ठोक ठोक कर कहा है कि यह जो एक्ट आने वाला है या आया है, लागू हुआ है, इस एक्ट से किसी भी नागरिक का नागरिकत्व निकलने वाला नहीं है, तो किसी भी नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्दैव से हमारे देश में यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि इससे कुछ एक समाज की आने वाली है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। इससे होगा तो अपने देश का भला ही होगा, इस प्रकार का विषय समझाने के लिए आज हम यहाँ रास्ते पर उतरे हैं। नवी मुंबई की जनता चाहती है कि इस देश में जो निर्वासित आए हैं, जिनमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है और पारसी है, इनको परमानेंट सिटीजनशिप दिया जाए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव इस कानून में लाया गया है और इसका समर्थन करने के लिए आज हम यहाँ भारी प्रमाण में नवी मुंबई के सारे नगरवासी इकट्ठे आए हैं। इसमें भी हमारे गृह मंत्री जी ने साफ साफ तौर पर बताया है कि जैसे एनआरसी है, तो एनआरसी क्या है, तो अपनी बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठिए अपने देश में आए हैं, देश में आकर अलग अलग तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं,
उनको पहचानना ये एनआरसी का उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।